से काफ़ी सारे क्वेश्चन इकट्ठे हुए हुए हैं जिनका एक कॉमन थीम ये है कि ख़वान के हैं कि उनके हस्बेंड्स के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनस हैं जिनको वो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम इसको कैसे डील करें कि ना तो हम इसे बर्दाश्त कर सकती हैं कि वो इस तरह के रिलेशन्स रखें और ना ही हम उन्हें इस चीज़ से रोक सकती हैं और ना ही हम जो है रिश्ता ख़त्म करना चाहती हैं तो हम ऐसे में अपने रिश्ते को कैसे कंटिन्यू करें देखे ना ये जो फिक्र है ना कि हम ना हम रिश्ता ख़त्म करना चाहती हैं ये इसके पीछे ना एक पूरा माइंड सेट है कि हमने ये समझा हुआ है कि घर को बचाने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ लड़कियों की है लिहाजा सिर्फ लड़कियों को नसीहत करनी है कि तुमने कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे घर घर टूटने से बच जाए तो घर टूटने की जिम्मेदारी लड़के की नहीं है क्या क्या घर के एक यूनिट के अंदर जितनी कंट्रीब्यूशन लड़की की है उतनी लड़के की नहीं होनी चाहिए तो इस सिलसिले में देखो मेरा तो सवाल जवाब जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बग़ैर किसी मसले हद के साथ है एक हद तक है जिस हद तक लड़की को बर्दाश्त करना चाहिए ठीक है ना सास ने कोई बात कह दी वो ठीक है उसको बुज़ुर्ग है बर्दाश्त कर लें कोई बात नहीं उसने बात को गलत ऐसी बात भी कह दी जो नहीं करनी चाहिए थी कोई बात नहीं बड़े के एहतराम में अपनी वालदा की बात भी है, वो सुन लेती है लड़की वो सुन ले ससुर ने कुछ ऐसा कह दिया किसी छोटे देवर ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं छोटा भाई है इस तरह इस तरह की बातें या थोड़ा इसको लेन देन के कोई मामलात हो गए जिनके अंदर एक टॉलरेट करने का अच्छा है हमें बच्चियों को ये सिखाना चाहिए कि भाई आप थोड़ा सबर के साथ उसको टॉलरेट करें लेकिन जिस जगह पर उनका खामद या उनके खामद के बाकी लोग एक हद को क्रॉस कर जाएं, एक लिमिट को क्रॉस कर जाएं, तो उस हद तक आप लड़की को ये मजबूर करें कि भाई तुम तुमने तो घर बचाना है तो क्यों बचाना है भाई घर इस तरह के घर बचा के करना क्या है मेरी बात समझ लें ना कि आप एक ऐसे शख्स के साथ रह रही हैं जो कि जो, जो कि मैं डायरेक्ट बोलूं कि जानी है एक ऐसे शख्स के साथ रह रही हैं कि जो कि यानी जिसको किसी किस्म की कोई इखलाकियात की कोई परवाह नहीं है और आप कहें कि हमें बताएं जी क्या तरीका है ऐसे बद अख्लाक आदमी और ऐसे ऐसे जानी शख्स के साथ मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूँ मेरा घर भी ना टूटे और मेरा घर भी ना बचे मेरा घर भी ना तबाह हो और मैं कैसे करूँ तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि ये बात हमें अपने तमाम वालदेन को बतानी चाहिए कि हमें अपनी बच्चियों को मजबूत करना चाहिए और बच्चियों को इस तरीके से एक मिजरेबल क्रिएचर के तौर पर उनकी तरबियत नहीं करनी चाहिए कि तुम तो मोहताज हो अपने खामद की और तुम तो मोहताज हो अपने ससुर वालों के तुम्हारे घर रखने ये इसी तरह से पिछले दिनों एक हमारे दोस्त हैं बहुत तो वो आए अपनी बेटी को लेके के, के जी इसकी जो खामद है उसने ये कहा है कि मेरी भाभीियों को सबके सामने पैरों पर हाथ लगाओ तो फिर तुम्हें मैं अपने घर में लेके आऊँगा हालांकि उसने कोई भी कसूर भाभीियों के साथ इस किस्म का नहीं किया था तो इसलिए देखो बेटा तुम्हारे सवाल का बड़ा क्लियर जवाब है कि हमें अपनी बच्चियों की तरबियत के दौरान उनको ये बात बड़ी क्लियर बतानी चाहिए कि इस हद तक तो तुम्हें ज़रूर एक सला जोई के साथ रहना चाहिए और इज़्ज़त आबरू के साथ रहना चाहिए और बर्दाश्त के साथ रहना चाहिए मगर जब एक हद क्रॉस कर जाए तो उसमें एजर्टिव होना चाहिए उसमें फर्म अपने हक का हक का के इजहार के लिए और हक़ को मांगने के लिए एक पूरी शिद्दत के साथ उसको उसका इजहार करना चाहिए और जहाँ वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो उसमें आप डू एंड डाई और, और इसीलिए तो अल्लाह पाक ने एक रखा है ना कि आप एक ख़ास हद तक रिश्ता ना चल सकता हो तो उसका एक शरयी तरीक़ा है कि उसके अंदर आपने कैसे बिहेव करना है तो इस सिलसिले में मैं जिन बच्चियों ने सवाल किए हैं मैं मेरे मैं, मैं उनको ये जवाब दूंगा कि आप इस बारे में फ़र्म हो इस बात को आप कैसे टॉलरेट करेंगे कि आपके ख़ामत के जो है वो एक्स्ट्रा मेरिटल रिलेशन हैं और लोगों के साथ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने चाहिए और उस सिलसिले में अपना पूरा का पूरा हक उन्हें बताना चाहिए और इनको फाइनल एक अल्टीमेट देना चाहिए कि देखो ये लिमिट है अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ ऐसा नहीं कर तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती मेरा तो ये ख्याल है